बद्दी के गैस प्लांट के समीप अवैध रूप से गैस सप्लाई का बद्दी पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 70 बड़े व 48 छोटे सिलेंडर बरामद किए हैं। पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह गोरखधंधा बद्दी के गैस प्लांट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर चल रहा था। बद्दी के गैस प्लांट के कार्यालय के समीप सज्जन कुमार व उसके बेटा अनिल कुमार ने अवैध रूप से गैस सप्लाई का कार्य शुरू किया था। शनिवार को HPCL के प्रदेश सेल प्रभारी सुनील कुमार बद्दी दौरे पर थे। जब वह गैस प्लांट के समीप से निकल रहे थे तो उन्हें एक पिकअप से गैस के सिलेंडर को उतारते हुए देखा तो उन्होंने इस बारे में पूछताछ की और उन्होंने तुरंत सभी डीलरों को मौके पर बुलाया। उनसे पूछा कि यहाँ पर कौन सप्लाई करता है, लेकिन किसी ने भी सप्लाई भेजने की बात स्वीकार नहीं की, जिस पर सुनील कुमार ने बद्दी पुलिस को सूचित किया। एक्चुअली हम लोग ऐसे रास्ते से जा रहे थे, इंडस्ट्रियल विजिट कर रहे थे, तो यहाँ से स्मेल आने लगी गैस की। तो देखे कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, तो मैंने पूछा कि गाड़ी किसकी है, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की पता नहीं चली कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं है ये गाड़ी। फिर मैंने दो तीन डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया कि यहाँ से स्मेल आ रही है, आप लोग एक बार चेक करिए। तो सभी लोग यहाँ पे आए और देखे चेक किए तो यहाँ पे जो है सिलेंडर की अल्टा पल्टी हो रही है, मतलब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में वो गैस फिलिंग हो रही है। तो ये इलीगल है और अनऑथराइज सेल कर रहे हैं। जस्ट इसी के लिए हमने यहाँ पर इकट्ठा हुआ। यहाँ पर 70 सिलेंडर्स पाए गए, 48 है, बाकी कमर्शियल है। इसमें ब्लास्ट भी हो सकता था, इस तरह से काम कर रहे हैं। और विभाग इन लोगों को पुलिस को पकड़ाएंगे, ये तो इलीगल है ना, और अनऑथराइज सेल कर रहे हैं। 100 kg से ज़्यादा नहीं रख सकता, रख नहीं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर मौके पर आए और उन्होंने LPG सप्लाई करने का परमिट मांगा, लेकिन संचालक दिखाने में असमर्थ रहा, जिस पर पुलिस ने दुकान में रखे 70 बड़े व 48 छोटे सिलेंडर कब्जे में ले लिए। इसके अलावा उन्होंने बड़े सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरने की नोजल व अन्य सामान भी मौके से बरामद किया। SHO बद्दी दयाराम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, सज्जन कुमार इसका मालिक और सज्जन कुमार इसका बेटा अनिल कुमार, दोनों उस कमरा के अंदर मौजूद थे। कुमार की खाना तलाशी कर उसमें टोटल 118 सिलेंडर, जिनमें से 70 सिलेंडर 19 kg के और 14 kg 48 पाए गए। इस नर में थाना बद्दी में एसएसएल सर्विस एक्ट की सेक्शन 3 और 7 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी छानबीन की जा रही है कि कब से गोरखधंधा अपना रहा था, क्योंकि सज्जन कुमार उसके बेटे अनिल कुमार के पास किसी प्रकार का लाइसेंस ना पाया गया। वो उसके अन्वेषण कमल होने पर इन दोनों व्यक्तियों को इस अभियोग में गिरफ्तार किया जाएगा। कौन सी कंपनी से? सिस्टी वाला से खरीदे। कितने सिलेंडर खरीदे हैं टोटल? यही खरीदे हैं, 70 सिलेंडर खरीदे थे, मंगवाए थे उन्होंने, दिए थे कहीं से? कहाँ से दिए थे? तो नहीं को पता होगा।